मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। से बातचीत कर प्यार करते हैं, इनके घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश करें हम लोग, बावजूद भी ये लोग नहीं माने। इनके वालिदैन को, इनके मम्मी को भी बोले थे हम लोग, कराते कराते बोल के नहीं करा रहे। और इनके भाई जहाँ दिखो वहाँ मारता हूँ बोल के 3 बार अटैक करे हमारे ऊपर। परसों भी 1 तारीख के दिन भी अटैक करे। इसके बाद में हम दोनों हमारी मर्जी से शादी कर ले के इन्फॉर्म करने के बाद मेरे घर पे 3 बार अटैक करे लोग, 3 तारीख 2 तारीख 5 तारीख को। और यह ह्यूमन राइट्स से भी हम लोग कंप्लेंट करा के हमारे प्रोटेक्शन के लिए बोले, बोलने के बाद पुलिस अंबरपेट PS में कंप्लेंट दिए, जान का धोखा है, प्रोटेक्शन चाहिए। अंबरपेट के रहने वाले, 1 तारीख फरवरी 1, 2021 ह्यूमन राइट कमीशन से परमिशन लिए हम लोग, उनका मैडम का ऑर्डर भी हमारे पास, फिर भी हमारे को जान का धोखा है। इनके भाई लोग नहीं मान रहे, हमारे को सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे को कुछ भी नहीं, हम लोग खुश है, हमारी मर्जी से हम लोग कर लिए। मेरा नाम आजरा बेगम है, वकील का नाम मिर्ज़ा बेग, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद इब्रान। हम लोग 1.5-2 साल से जानते हैं, हम लोग 1 तारीख के दिन शादी कर लिए। मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। और बहुत बार मेरे घर वालों को बहुत बार मनाने की कोशिश करी पर वो लोग दूसरे घर में करते, नहीं होना नहीं करते बोले, तो मैं उन लोग को घर पे बोल के इन्फॉर्म करके निकली मैं। अभी आपको खतरा है? हाँ, मेरे को यहाँ पर प्रोटेक्शन होना, मेरे हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली वालों को दो तीन दफ़ा घर पे आके अटैक भी करे वो लोग, और मेरे हस्बैंड को ऑफिस को जाते जब रस्से में मारे भी मेरे भाई, 3-4 दफ़ा मार दिए अभी तक। मैं माँ बाप को केस बुक करना नहीं चाह रही। शहनाज है, शहनाज बेगम। बच्ची शादी राजी से करे, बातचीत करते थे, हमको मालूम था, हम जा पूछे जाके तो लगा इनकार कर दिए। और ये बच्ची मारे हमारे बच्चे को 1 तारीख को जाके लगा शादी कर लिए, हमारे को नहीं मालूम, बाद में मालूम हुआ। तो हम अपना लिए, बच्ची अच्छी है, हमारे साथ अच्छा रह रही, हम खुश है, हमारा पूरा ससुराल हमारा भी पूरा खुश है। और इनके माँ बाप हमारे बच्चों को धोखा मारने का डर बिठा रहे, मारे हमारे बच्चे को, और घर पे आके सामान बाहर फेंक दिए, हमारे को मारते बोलते हम चले गए 2 दिन के वास्ते, 2 तारीख 5 तारीख 3 तारीख 3 तारीख 3-4 बार आए भाई घर पे, सामान भी उठा लेके चले गए हमारा, हमारे को मारते बोलते हम चले गए डर के। हम तो खुश है बच्ची के साथ, बच्ची हमारे साथ अच्छी है। अंबरपेट PS में आए आप पुलिस वाले, हमारे को अच्छा हिफाजत करना हमारे बच्चों को, जान का धोखा। मेरा नाम एडवोकेट बेग है। कल मेरे सामने एक केस आया है जिसके मुताबिक ये पता चला कि दो ये मियाँ बीवी है और ये लड़का और लड़की की शादी इनकी मर्ज़ी से हुई है। इनके वालदा ने मुझे बताया कि उनके घर पे 2-3 दफ़ा लड़की के माँ बाप ने आके अटैक किया, 2 तारीख को 3 तारीख को और 5 तारीख के दिन, और वो पुलिस का प्रोटेक्शन चाह रहे थे लड़की के माँ बाप से। जब मैं उनसे दरियाफ़ किया तो पता ये चला कि लड़का लड़की दोनों तकरीबन 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल से एक दूसरे को चाहते थे, दोनों अंबरपेट के रहने वाले हैं और एक दूसरे को वो लोग बहुत चाहते थे और एक दूसरे के माँ बाप को इस बारे में बता है और शादी के लिए भी बोले। उनके और भी रिश्तेदार शादी के लिए माने थे पर फिर बाद में कुछ नहीं बोल के इनकार कर दिए, जिसकी वजह से लड़का लड़की, क्या डेट थी वो, पहली तारीख 1 फरवरी के दिन खाजी के पास जाके ये लोगों ने शादी कर लिया। लड़की अपने घर से माँ बाप को बोल के निकली कि मैं घर से जा रही हूँ शादी के लिए, और वो चली गई और लड़का लड़की दोनों ने मिलकर शादी कर लिया 1 तारीख के दिन। फिर कुछ 4 तारीख के दिन ह्यूमन राइट कमिश्नर में भी जाके ये लोग वहाँ पे भी कंप्लेन दिए, पिटीशन दिए कि हमारी शादी हो गई, माँ बाप हमारी शादी के ख़िलाफ़ है और हमारे मेरे नए ससुराल वालों पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर पे अटैक किए। वहाँ पे भी फिर 5 तारीख के दिन ये लोग को कुछ बुलाया गया, फिर वहाँ पे कुछ आर्गूमेंट होने के बाद वहाँ का जजमेंट आ गया जिसकी कॉपी अभी आना बाकी। आज अंबरपेट पुलिस स्टेशन पे आए हैं ये लोग, इनके वालदा मुझे बताए हैं और साथ में लेके आए हैं इस कंप्लेन देने के लिए पुलिस से, खाली प्रोटेक्शन के लिए, ना इनके माँ बाप पे कोई कंप्लेन देना चाहते ये लोग, ना ही ये लोग के माँ बाप से इनका कोई ख़ास तकाजा है। सिर्फ माँ बाप से ये नया औरत, ये नया जो
लड़का लड़की है, ये दोनों इनके माँ बाप से सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारी पसंद से शादी कर लिए हैं और हम लोग बालिग हैं। आपकी उम्र क्या है माँ? 19 साल लड़की की उम्र है। आपकी उम्र क्या है बाबा? 23 साल लड़के की उम्र, 26 साल लड़के की उम्र है और लड़की की उम्र 19 साल है, जिसके हिसाब से क़ानून भी पूरी इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिससे चाहे शादी करे, और शराइ एतबार से भी पूरी इजाज़त है कि लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करे। तो उस हिसाब से ये लोगों ने भी शादी किया। पहले 1.5 साल तक का कुछ माँ बाप को मनाया, ना मानने के बाद फिर वो लोगों ने शादी किया। इसके दरमियान में 2-3 दफ़ा लड़के को मारा गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान, जो इनके हस्बैंड हैं, उन्हें 2-3 दफ़ा मारा गया। फिर उसके बाद ये लोगों ने शादी के लिए फ़ैसला लिया और बाद में जाके 1 फरवरी के दिन ये लोगों ने शादी किया, और 4 फरवरी के दिन ह्यूमन राइट कमीशन में जाके वहाँ पे पिटीशन दिया कि हमारे कुछ शादी के बाद माँ बाप का टॉर्चर ज़्यादा हो गया और शादी तोड़ने के लिए कुछ बात हो रही है, हम शादी नहीं तोड़ना चाहते, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और एक दूसरे से साथ ज़िंदगी पूरा हंसी खुशी गुजारना चाहते हैं। आम तौर पे उमूमन देखा ये गया कि लड़के वालों के माँ बाप को ऑब्जेक्शन होता है कि शादी तोड़ा जाए या अपनाया ना जाए। यहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पे लड़के और लड़के के माँ बाप, रिश्तेदार और सब जने तैयार है लड़की को अपनाने के लिए और लड़की उनके साथ खुश है, मगर लड़की के माँ बाप को थोड़ा ऑब्जेक्शन है। उनके एक्सपेक्टेशन लड़की को कोई बड़े घर में वगैरह शादी करने का था, जो नहीं होने की वजह से वो लोग शायद ज़्यादा नाराज़ है। अब ये लोग पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अंबरपेट PS को आए हैं, यहाँ पे कंप्लेन दिए हैं, और आगे पुलिस वालों से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई इनके माँ बाप को बुला के सख्ती से ये बोला जाए कि दोबारा इनकी नई ज़िंदगी में दखल ना दिया जाए और इनकी शादी हंसी खुशी जैसा रह रहे हैं वैसी रहने दिया जाए। मेरा नाम एडवोकेट 810 वकील है, एडवोकेट मुस्तफ़ा, एडवोकेट सादिक, एडवोकेट जर्रार, एडवोकेट हबीब, बहुत से हमारे एडवोकेट्स हैं जो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं ख़ास तौर पे मुसलमान तबके में, तो बहुत जल्दी हम लोग आके उनको मदद करते हैं और जो भी कानूनी मदद हमसे हो सका हम ज़रूर करते हैं, उनको उनका हक हमेशा दिलाते आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह दिलाते हैं।